हे गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की जो ये वीडियो है, ये होने वाली है आपके GTA Vice City। जी हाँ गाइस, GTA Vice City के मोड के ऊपर। एंड फाइनली मैं लगभग, मुझे याद है कि मैं 3 साल बाद जो है GTA Vice City का एक मोड अपलोड कर रहा हूँ, यानी कि आज से लगभग 3 साल पहले जो है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि अप्रोक्स क्या डेट थी, बट हाँ 3 साल पहले मैंने जो है GTA Vice City के लगभग लगभग बहुत सारे मोड्स अपलोड किए थे। एंड आई थिंक मैंने जो है 7 वीडियोस जो है अपलोड करी थी GTA Vice City के ऊपर, और एक वीडियो जो है वायरल गई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया था उस वीडियो पे, और एक टाइम पे वो वीडियो बहुत ज़्यादा टॉप पे थी मेरे चैनल पे। एंड मुझे मतलब 6 वीडियो से इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो मुझे लगा कि यार अब जाके और भी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। आई मीन GTA San Andreas के मोड्स तो आ ही रहे, बहुत सारे मोड्स से कंटेंट की भी कोई भी कमी नहीं है। बट इसी के साथ मैंने सोचा कि कोई नई चीज़ पर ट्राई करते हैं। आई मीन रेगुलर GTA San Andreas के ओनली मोड्स अपलोड होते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, लाइक GTA Vice City के कुछ मोड्स होने चाहिए। और एक बात, मैं GTA 5 के भी मोड जो है अपलोड करना चालू करूँगा कुछ दिन बाद, GTA 5 के गाइस। जी हाँ, GTA 5 जिनके पास PC है उनके लिए जो है GTA 5 के जो मोड्स है वो अपलोड होंगे, ठीक है। और अगर आपके पास PC है, इफ़ यू आर प्लेइंग GTA 4 ऑन योर PC, सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट, मुझे बताओ। मैं GTA 4 के ऊपर भी वर्क करूँगा, और GTA 4 को भी मैं एक अमेजिंग मोड्स के थ्रू पूरी प्लेलिस्ट बना करके बहुत अच्छे मोड्स जो है अपलोड करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो आपका सपोर्ट रहेगा गाइस बेसिकली, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे को कमेंट भी जरूरी कमेंट करना, ठीक है। एंड एक और बात, ये जो गेम प्ले आप देख रहे हो GTA Vice City Remastered, ये मैंने GTA 5 के अंदर जो है इंस्टॉल करा है पूरा का पूरा मैप विद कैरेक्टर ऑफ टॉमी वर्कटी। एंड अगर आपको भी चाहिए तो मेरे को इसके बारे में कमेंट में बताओ, मैं ये भी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब इसके ऊपर वीडियो मैं जो है बनाने वाला हूँ, इसका जो कंटेंट क्रिएशन है वो मैं जल्दी ट्राई कर दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए मुझे जो है आपका सजेशन चाहिए होगा, एक स्मॉल सजेशन, कि मुझे क्या करना चाहिए आगे जाके ऑन माय चैनल, लाइक क्या कौन से मोड्स अपलोड करने चाहिए, एंड किस बारे में अपलोड करने चाहिए, कौन कौन से गेम के अपलोड करने चाहिए, तो मुझे ज़रूर रिकमेंड करना, ठीक है। सो गाइस, अब मैं जो मेन वीडियो जो है, मेन वीडियो का जो मुद्दा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ आपके GTA Vice City एंड्रॉयड के लिए बेस्ट कॉमन मोड फॉर योर एंड्रॉइड। गाइस, ये होने वाला है आपका GTA Vice City का स्विमिंग मोड एंड क्लाइंब मोड। आपको पता है जनरली हम GTA Vice City गेम खेलते वक्त जो है बिल्कुल स्विमिंग नहीं कर सकते, ठीक है, और उसके बाद में हम लाइक क्लाइंब भी नहीं कर सकते, जैसे कि GTA San Andreas में होता है। GTA San Andreas के अंदर हम स्विम कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन GTA Vice City के अंदर हम नहीं कर सकते। अब इसका रीज़न ये है कि GTA Vice City के क्रिएशन के वक्त में मे बी ये जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ नहीं हुई हो। अब आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ है, बट मे बी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ना हो एंड पूरी अच्छी तरीके से जो है गेम को नहीं बनाया गया था। तो GTA San Andreas के वक्त बहुत अच्छी जो है टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, पास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो मे बी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए GTA Vice City के अंदर जो है ये इस चीज़ का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया। लेकिन बाद में जो है एक छोटे से मोड के थ्रू जो इस चीज़ को है एकदम फिक्स कर दिया गया, एंड वही मोड जो है मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। बहुत ही कॉमन मोड है, एंड अगर आप GTA Vice City खेल रहे हो, अगर आपके गेम में यही मोड इंस्टॉल नहीं है ना, तो भाई मतलब आप समझ लो कि आपने अपने GTA Vice City में अभी तक कुछ मोड नहीं किया है, क्योंकि GTA Vice City का सबसे बेसिक मोड जो है वो यही है। सबसे बेसिक जो ओवरऑल जो बेसिक चीज़ आती है वो आती है आपकी GTA Vice City के क्लो मोड, ठीक है, क्लो स्क्रिप्ट। एंड ये तो आई होप कि सभी के पास होगी, क्योंकि तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर नहीं होती है तो आप जो है YouTube से वहाँ पर सर्च करके जो है फाइंड कर सकते हो, एंड इजी कहीं से भी आपको ये मिल जाएगी। आई मीन बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई भी है इसके ऊपर, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, अब आपने गेम प्ले में तो देख ही लिया है कि किस तरीके से जो है ये मोड वर्क करने वाला है, तो मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ। इंस्टॉलेशन में मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगा, तो लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन, कैसे इंस्टॉल करना रहेगा और किस तरीके से जो है आपको यूज़ करना है। यूज़ तो खैर मैं आपको गेम में प्रूफ भी दिखाऊंगा, तो लेट्स सी। सो गाइस, आपको फाइल डाउनलोड करनी है स्विम एंड क्लाइंब के नाम से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, 1 MB की फाइल है। एक्सट्रैक्ट करो, पासवर्ड रिक्वायर करेगा, तो पासवर्ड यहाँ पे आपको पता है क्या होता है हमारा पासवर्ड, होता है बाय एंड सेफ्रॉन गाइस, सी ये हमारा पासवर्ड रहता है हर एक मोड का, एंड बस बाय सेफ्रॉन करके ओके कर दो, बस यही हमारा नॉर्मल पासवर्ड है। अच्छे से एक बार देख लो, और कैपिटल स्मॉल की कोई गलती मत करना, सब स्मॉल है। फोल्डर मिल जाएगा, ओपन करना उसको, उसके बाद में एक और फोल्डर मिलेगा कंप्यूटर रॉकस्टार गेम GTA VC, कट करो, डिवाइस मेमोरी एंड्रॉइड डेटा एंड पेस्ट हियर, दैट्स इट, पेस्ट कर दो यहाँ पे, एंड मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है इसलिए रिप्लेस आस्क कर रहा है, एंड दैट्स इट।
हो गया ओवरऑल फिनिश आपका इंस्टॉलेशन। जैसे आप गेम ओपन करोगे, जैसे ही आप पानी के अंदर आओगे ना भाई साहब, आप स्विम करना चालू हो जाओगे और आपको ये जो है मोड पैक बहुत ही ज़्यादा बेसिक लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि GTA Vice City के अंदर हम नहीं कर सकते विदाउट इसके बिना, ना ही स्विमिंग कर सकते ना ही क्लाइंब कर सकते, बाकी सारी चीज़ें कर सकते लेकिन हम ना स्विम कर सकते ना क्लाइंब कर सकते। सो मैंने सोचा कि ये मोड एक जो बेसिक है ये आपको अपलोड कर देना चाहिए आपके लिए, ताकि आप जो है अंडरस्टैंड हो जाओ इसके बारे में। एंड आई होप कि जो ये मोड है ये आपको समझ में आया होगा, ये पसंद आया होगा, और अगर नहीं इंस्टॉल किया है ना तो यार इंस्टॉल करो क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ है, और अगर यही इंस्टॉल नहीं करोगे तो पूरा का पूरा गेम जो है आपका मोड तो होने ही नहीं वाला है, मतलब आपने कुछ अभी तक मोडिंग ही नहीं करी जब तक आपने ये नहीं किया। सी यहाँ पे मैं किस तरीके से क्लाइंब कर पा रहा हूँ, एंड उसके अलावा भी आप यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो, तो ये दो चीज़ें जो है इस मोड में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड ऑल्सो इसके लिए आपके पास ग्लो स्क्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है, ग्लो स्क्रिप्ट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, और ग्लो स्क्रिप्ट नहीं होती है तो भी मे बी मैं गारंटी लेता हूँ कि चल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ इशू देगा, ठीक है। तो मे बी ज़्यादा बेटर है कि आप जो है ग्लो मोड्स इंस्टॉल कर लो, अपने GPU के अकॉर्डिंग होता है, मैंने जैसे कि कहा आप अपने लाइक YouTube पे सर्च कर सकते हो इसके बारे में। सो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आई होप ये वीडियो पे आप लाइक करोगे, एंड आई होप कि आप ये सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को इस वीडियो को देखने के बाद में, एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपका क्या सजेशन रहता है, और GTA Vice City के मोड्स मैंने डाल करके अच्छा काम किया है कि नहीं, एंड आपको कैसा लगा ये, और इसके बारे में और आगे क्या कहना चाहते हो, आगे भी ऐसी ही वीडियोस कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में आपका क्या सजेशन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइस, मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी अच्छी GTA Vice City के मोड्स के साथ जो कि मे बी एडवांस हो सकता है नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय।